नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार, इंडिया न्यूज के डिजिटल यूट्यूब चैनल इन खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक गंभीर मसले पर, किसान, भारत के किसान। भारत के किसानों के हालात किसी से छुपी नहीं है। विदर्भ में, महाराष्ट्र में, चाहे पूरे देश भर में कितने किसान रोजाना आत्महत्या कर लेते हैं। सरकारें बहुत कुछ करना चाहती है, फसल बीमा जैसी चीज मोदी गवर्नमेंट लेकर आई, लेकिन उसका भी उतना परिणाम नहीं मिला। और कई बार तो उन्हें फसल बीमा के नाम पर इतने कम रुपए मिलते हैं कि उन्हें दिखाने तक में शर्माती है। 10 रुपए, 50 रुपए, 100-100 रुपए के चेक आए हैं। लेकिन इस बार जो घटनाक्रम है, जो ये चीजें खुलकर सामने आई है, वो और भी चौंकाने वाली है। कृषि लोन के नाम से सरकार किसानों को कर्ज देती है। कर्ज में 4% ही मात्र इंटरेस्ट रहता है, जो बहुत कम माना जाता है। लेकिन इस बार जो खबर आरटीआई से निकल कर आ रही है, मात्र 615 खातों में 2016 में सरकार ने 59,000 करोड़ रूपये दे दिए। तो कौन है देश के वो खुशनसीब किसान जिसे सरकार 95 करोड़ रूपये औसत दे रही है? सोचिए, जिन किसानों को कर्ज लेने में लाइन लग जाती है, वहां पे कुछ ऐसे भी किसान हैं, 615 ऐसे किसान हैं जिन्हें 95 करोड़ रूपये सरकार दे रही है। अब बता दीजिए, कोई किसान नहीं, ये एग्रो कंपनियां हैं जो किसानों के नाम पर लोन ले रही है। एक आरटीआई में खुलासा हुआ है। और सिर्फ ये बात आपको मोदी गवर्नमेंट की नहीं, 2016 में ये लगातार चलते आ रहा है। 2007-08 के भी आंकड़े आए हैं जिसमें 46,000 करोड़ रुपए कुछ खाते को दे दिए गए। ये लगातार चलता आ रहा है। हम आपको कुछ आंकड़े बताने चाहेंगे इसके बारे में कि क्या क्या है। आपको 2016 में 615 खातों में 58,561 करोड़ रुपए कृषि लोन दिया गया। ये वो उन कंपनियों को दिया गया जो कृषि के नाम पर लोन मांगती है। और हर अगर एवरेज निकालते 95 करोड़ पर खाता पड़ता है, क्योंकि बाकी सब लोन में अगर आप जानते हैं, अगर हम हाउस लोन लें, गाड़ी लोन लें, 10% 11% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन कृषि लोन में मात्र 4% देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कुछ कंपनियां इसका फायदा उठा रही है, किसानों को लोन के नाम पे कम इंटरेस्ट लगता है, लोन ले लेती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपको इसी सरकार में ये लोन दिया जा रहा है। इससे पहले भी ये किसान 2007 में अगर आप आंकड़े देखें तो 464 किसानों को 43,664 करोड़ रुपए दिया गया है। सिर्फ मोदी गवर्नमेंट काम नहीं चल रहा है, लगातार चलता आ रहा है। 2007 में भी हुआ है, घटना घटी है। और उसके बाद 2014 में सिर्फ 659 खातों को 659 खातों को 60,156 करोड़ रुपए दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से भारत में किसानों के लोन के नाम में बड़ी बड़ी कंपनियां लोन ले रही है। और छोटे मोटे लोन नहीं है, 10 लाख 20 लाख में 95 करोड़ के लोन है। आप बता दें, इस तरह के जो लोन है वो गोदाम, कोल्ड स्टोरेज जैसी बुनियादी ढांचे को मरम्मत बनाने के लिए मिलती है। और लेकिन सोचना चाहिए सरकार को भी, इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर कंपनियां इस तरीके से सरकार जो फंड लाती है, क्योंकि किसानों के लिए स्पेशल फंड आता है लोन देने के लिए, और उस तरह के फंड को अगर ऐसी बड़ी कंपनियां ले लेंगी तो फिर किसानों के हाथ के लिए क्या बचेगा, किसानों को क्या मिलेगा, किसानों की दुर्दशा कैसे सुधरेगी, इस पे चिंतन करना चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए, बड़ी बहस होनी चाहिए। और लगातार ऐसे न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करिए।